नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल दोस्तों हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए, जब भी घर बनाने के बाद हमें वाटर टैंक इंस्टॉल करना होता छत के ऊपर या मुमटी के ऊपर, तो ऐसे में हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता कि हमें कितना खर्चा लगेगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि घर बनाते बनाते जब हम लास्ट मोमेंट पर जाते हैं तो उस टाइम पे बहुत हमें थोड़े थोड़े पैसों के लिए सोचना पड़ता है। तो ऐसे में हमें अगर पहले से पता हो कि हमें मोटा मोटा क्या खर्चा लगेगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि आपको इंस्टॉलेशन क्या खर्चा लगेगा, उसके बाद आप उस खर्चे के हिसाब से अपना एडजस्ट कर पाओगे। तो इसलिए दोस्तों आज की वीडियो बहुत नॉलेज होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो हम बताने वाले हैं कि 1000 लीटर वाटर टैंक को आपको इंस्टॉल करने में छत के ऊपर कितना पैसा लगने वाला है। और दोस्तों इसमें मैं आपको छोटे छोटे डिटेल बताऊंगा दोस्तों साथ में, इसलिए ये वीडियो बहुत नॉलेज होने वाली है। और हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, इसलिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है, जहां पे आपको टैंक, वाटर टैंक और घर बनाने जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियोस आती रहती है दोस्तों, और घर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आती रहती है। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे आपके बटन को दबा के फटाफट सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल ना भूलें। उसका बेनिफिट क्या होगा, इस तरह के जो भी वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, आप तुरंत हमारी वीडियोस टाइम टू टाइम पे देख पाओगे। अब मैं सीधा टॉपिक पे आता हूं, सीधा कॉपी पेन के ऊपर मैंने लिख रखा है सब कुछ डिटेल में, और आपको हर एक बार डिटेल में दिखाऊंगा। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली, बिना स्किप किए फटाफट कॉपी पेन के ऊपर आ जाओ जल्दी से। 1000 लीटर वाटर टैंक इंस्टॉलिंग रेट इन 2022, 1000 लीटर वाटर टैंक को इंस्टॉल करने में 2022 में हमें कितने पैसे लग जाएंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं दोस्तों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों। दोस्तों ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट प्राइस है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपको जो वाटर टैंक है वो ब्रांडिंग के हिसाब से, डिटेल के हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। अगर अच्छे अच्छे ब्रांड के लोगे तो और ज्यादा अच्छे प्राइस का, उसमें क्वालिटी वाइज भी टैंक का होता है और ज्यादा अच्छा क्वालिटी का है। लेकिन मैंने एक साधारण क्वालिटी का वाटर टैंक पकड़ा है, और यहाँ पे आपको उस साधारण क्वालिटी वाटर टैंक में, ये मेरे आसपास लोकल में जो प्राइस है, मैंने उसी प्राइस को यहाँ पे बताया है। तो इसलिए दोस्तों आपके आसपास नियर बाई क्या प्राइस वाटर टैंक का है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और बताएं कि दोस्तों आपको कितना खर्चा लग गया अपना वाटर टैंक को इंस्टॉल करवाने में। 1000 लीटर वाटर टैंक का प्राइस जो हमारे यहाँ पे आसपास है तो वो मेरे को 6000 रुपये पड़ा, और ये आपको दोस्तों 5.5 हज़ार से शुरू होकर के ये 10,000 तक में आपको अच्छी क्वालिटी का वाटर टैंक आ जाएगा। लेकिन हमने एक मीडियम क्वालिटी का वाटर टैंक पकड़ा है, जो हमने 1000 लीटर का यहाँ पे लगवाया वो 6000 रुपये का हमें पड़ा। तो 1000 लीटर वाटर टैंक लगवाया हम, वो 6000 रुपये का पड़ा। और दोस्तों इसके बाद हम ये वाटर टैंक, काफ़ी अच्छा वाटर टैंक लगा हमें, सिंटेक्स का वाटर टैंक था, तो 6000 रुपये में हमको सही रेट पे हमको मिल गया। अब दोस्तों इसके बाद आ जाती है वाटर टैंक वाटर फ्लो वॉल्व। दोस्तों वाटर टैंक वाटर फ्लो वॉल्व आ जाती है। वाटर टैंक वाटर फ्लो वॉल्व होता क्या है, जहाँ जब आप पानी वाटर टैंक से बाहर छोड़ना हो, मतलब कि आपके घर में जब नीचे आता है पानी, तो उसमें वो एक वॉल्व लगा जाता है आने के लिए और बंद करने के लिए। तो ऐसे में वो वॉल्व का, जैसे आप पिक्चर देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, तो ये जो पिक्चर है ये इस टाइप के वॉल्व होता है, इसका शेप साइज अलग अलग कभी कभी आता है, और इसका रेट आपको डिफरेंट पड़ सकता है। ये आपको 100-150 रुपये से स्टार्ट होकर के 350-400 और 600-700 रेट तक जाता है। जितनी जितनी अच्छी क्वालिटी का लेंगे उतना अच्छा रेट जाएगा। हमने एक अच्छी एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का लिया है वाटर फ्लो वॉल्व, तो हमें 300 रुपये का पड़ा, और 300 रुपये में एक अच्छा स्टैंडर्ड वाटर फ्लो वॉल्व मिल गया। और लास्ट में आ जाता है दोस्तों हमारा पाइप। ये पाइप बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इसमें कैसे में कहेंगे कि लोग कि पाइप हमारा कहाँ पे लगा, ये पाइप जो दोस्तों हमारा है लेट में और दोस्तों ओवरफ्लो पाइप में लगा, और साथ में इसमें कुछ जॉइंटर और कुछ एल्बो यूज किए गए, जो जिसमें तो ये एल्बो और ये पाइप जो है, पाइप हमने 10 फुट के आसपास लिया, और ये सब कुछ खर्चा मिला करके हमें कुछ 600 रुपये के आसपास का पड़ा। इसमें छोटे मोटे खर्चे सारे इंक्लूड है दोस्तों, चाहे इसमें सूता हो, चाहे इसमें जो चूना हो जो लगाते पाइप पर लगा करके हमें कसते हैं, या इसमें जो भी है सारा खर्चा, छोटा खर्चा सब इन सब इसमें इंक्लूड है। अब दोस्तों हो जाता है कि प्लम्बर का खर्चा। प्लम्बर का खर्चा दोस्तों यहाँ पे प्लम्बर का रेट अलग अलग अपने जगह के हिसाब से पड़ता है मिस्त्री का, और हमें यहाँ पे 500 पड़ा, जो कि हमें चूंकि नॉर्मली जो ये रेट है ये 500 से स्टार्ट होकर 600-700 तक जाता है, और ये रेट हमें 500 पड़ा। तो कुल मिला के हमें ये खर्चा हमें पड़ा, टैंक का प्राइस हमें 6000 पड़ा, और वॉल्व का प्राइस हमें 300 पड़ा, और दोस्तों हमें पाइप का खर्चा और ऐसा जो भी एल्बो जॉइंटर और ये पाइप, जैसे कि मैंने बताया कि ओवरफ्लो पाइप में लगाया जाता है और इनलेट पाइप में लगाया जाता है, और जॉइंट जॉइंटर जॉइंट्स में यूज किया जाता है दोस्तों, और काफी बार एयर के लिए जो पाइप लगाया जाता है वहां पे इन पाइप को यूज किया जाता है। तो ये सब कुछ मिलाकर हमें कुछ 10 फुट के आसपास पाइप लगता है। तो ऐसे में ये थोड़ा बहुत ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है पाइप दोस्तों, ये आपके घर के हिसाब से ऊपर से खर्चा हो सकता है। अगर आपने टैंक और अच्छे कॉस्ट का, अच्छे क्वालिटी का लिया, तो ये खर्चा और ऊपर नीचे जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि ये फिक्स अमाउंट है, लेकिन मोटा मोटा आपको अगर आप एक नॉर्मल क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी का लगवाएंगे तो इस खर्चे में आपको ये सारी चीजें लग जाएंगी, और तो कुल मिला के जो आपको 1000 लीटर वाटर टैंक का जो इंस्टॉलेशन का खर्चा है वो आपको 7400
7,400 रुपये लग जाएगा आपको। तो इस 7,400 रुपये में आपको ये इंस्टॉलेशन फीस लग जाएगी, आपको सब कुछ वाटर टैंक लगवाने का। तो ये छोटी सी वीडियो है दोस्तों, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, मैंने सोचा आप तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुँचानी चाहिए। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं दोस्तों। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक भी जरूर करें दोस्तों, ये आपके ऊपर है। और दोस्तों क्या पोर्शन आपको अच्छा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएं, और दोस्तों मैं वीडियो में क्या सुधार कर सकता हूं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव रही तो अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को जिनको जरूरत है इन वीडियो की, वहां पे शेयर जरूर करें। चलो दोस्तों जय हिंद जय भारत, जल्दी मिलता हूं अगली वीडियो में।